हेलो स्टूडेंट्स, आज आप गल करते हैं साढ़े 8वीं क्लास के 4th चैप्टर की, जिहदा नाम हैगा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बारे तुसीं सुनिया तो जरूर ही होगा। लाइब्रेरी की हुंदी है? जिथे पुस्तकां ही पुस्तकां हुंदियां, जिथों सानू पुस्तकां दे बारे दे विच ज्ञान दे बारे च वाधू चीज़ां सीखण नूं मिलदियां, जिथे जा के शांत माहौल नाल बैठ के बिल्कुल शांति हुंदी है, उत्थे सब आपदी पसंदीदा पुस्तकां दा ज्ञान लैंदे हन। तां देखदे हां कि आखिर कवि सानू की कह रहा है। कवि दी जड़ी कविता है, स्कूल मेरे दी लाइब्रेरी जिथे लगी ज्ञान दी ढेरी, नवीआं नवीआं पढ़ां पुस्तकां पढ़न विच मैं करां ना देरी, अपने साथियों नाल मैं अक्सर चाई चाई लौंदा फेरी, स्कूल मेरे दी लाइब्रेरी। चंगियां चंगियां गल्लां सीख के सोच बनाउणी होर चंगेरी, हर रचना मेरे मन नूं मोवे, अगे है छोटी होवे भावें लमेरी, स्कूल मेरे दी लाइब्रेरी। जिसनूं शौक पढ़न दा पै जाए, पढ़न लई उस कोल वोल बथेरी, पुस्तकां दिंदियां चानन सानूं अग्ञानता वाली रौनक नेरी, स्कूल मेरे दी लाइब्रेरी। वन सवनिया तक पुस्तकां मन नूं भौंदी लाइब्रेरी, स्कूल मेरे दी लाइब्रेरी जिथे लगी ज्ञान दी ढेरी। कवि ने बहुत ही सोहनी लाइब्रेरी का वर्णन किया। आपां देखते हैं अर्थ अनुसार कि कवि सानूं की समझाउणा चाहुंदा है कि आखिर लाइब्रेरी की इन्नी प्रशंसा कवि ने की है तो आखिर क्यों की है। देखो, आप शुरू तो देखते हैं इन्दे अर्थ के अनुसार। देखो कवि कह रहा है, स्कूल मेरे दी लाइब्रेरी जिथे लगी ज्ञान दी ढेरी। स्कूल दे विच लाइब्रेरी बनी हुई है, की बनी हुई है? लाइब्रेरी, जिदे विच की है? किताबा ही किताबा हन। ते लाइब्रेरी नू ज्ञान दी ढेरी तां कहा ही जांदा है, क्यों? क्योंकि उत्थे तरह तरह दीआं ज्ञानां दीआं किताबा हुंदीआं हन, इसलिए उसनू ज्ञान दी ढेरी कहा गया है। नवीआं नवीआं पढ़ां पुस्तकां पढ़न विच मैं करां ना देरी, अपने साथियों नाल मैं अक्सर चाई चाई लौंदा फेरी। मतलब कि उत्थे नवीआं तो नवीआं पुस्तकां हन, हर तरह दीआं नवीआं नवीआं, ठीक है। उसनू पढ़न विच मैं देरी नहीं करदा। जे मैनू पता लग जाए ना भी इत्थे नवीं बुक पई है, कोई इंट्रस्टिंग जी है, तरह तरह दीआं बुक है, तो कवि की करदा? उन्हां पुस्तकां नू पढ़दा, उन्हां पढ़न विच देर नहीं करदा। अपने साथियों नाल की करदा? अपने साथियों दे नाल बह के खुशी नाल बहुत ही लगन नाल उन्हां पुस्तकां नू पढ़दा, ते आपदे स्कूल दी लाइब्रेरी दे विच जांदा, ते उन्हां किताबां दा ज्ञान लैंदा। अगे है चंगियां चंगियां गल्लां सीख के सोच बनाउणी होर चंगेरी, हर रचना मेरे मन नू मोवे। मतलब कि उन्हां किताबां नू पढ़ के मैं चंगियां तो चंगियां गल्लां सीखदा, ठीक है, ते आपदी सोच नू होर भी वधिया करन दी कोशिश करदा। ते हर रचना मेरे, मतलब जिन्नी भी रचनावां, जिहड़ी चीज़ भी कवि पढ़दा, ते उहदे नाल उसनू की है, मन नू खुशी मिलदी है। ते चाहे तां उह रचना छोटी होवे, ते चावें लमेरी, मतलब कि वड्डी होवे, ते स्कूल मेरे दी लाइब्रेरी। जिसनू शौक पढ़न दा पै जाए, पढ़न लई उस कोल वेल बथेरी, पुस्तकां दिंदियां चानन सानू अग्ञानता वाली रौनक नेरी, स्कूल मेरे दी लाइब्रेरी। कवि की कह रहा है, जिस बच्चे नू पढ़न दा शौक हुंदा, तरह तरह दीआं चीज़ां दा ज्ञान लैण दा शौक हुंदा, उस कोल ऐटोमैटिकली टाइम आ जांदा अपने आप ही, चाहे वह आपदे पूरी दिनचर्या दे विच जिन्ना मर्जी व्यस्त क्यों ना होवे, उहनू पढ़न लई टाइम वेल बथेरी, मतलब कि ऐटोमैटिकली टाइम मिल जांदा पढ़न लई, तो कुछ ना कुछ ज्ञान लैंदा ही रहिंदा आपदी पूरी दिनचर्या दे विच। ते पुस्तकां दिंदियां चानन सानू, ते पुस्तकां नाल की हुंदा? सानू चानन मिलदा, नवीं तो नवीं चीज़ सीखण नू मिलदी है, ते साडे मन दा जिहड़ा दिमाग दा अंधेरा जिहड़ा हुंदा, जिहड़े गलत विचार जिहड़े हुंदे हन, उह दूर हुंदे हन, ते साडी सोच चंगी बनदी है, ते स्कूल मेरे दी लाइब्रेरी। वन सवनिया तक पुस्तकां मन नू भौंदी लाइब्रेरी, स्कूल मेरे दी लाइब्रेरी जिथे लगी ज्ञान दी ढेरी। उत्थों दीआं वन सवनियां जिहड़ियां किताबां हन, उह मैनू बहुत ही चंगीआं लगदीआं हन, उस पुस्तकां नू पढ़न लगे मन नू भौंदीआं हन, खुशी महसूस हुंदी है उस लाइब्रेरी दे विच जा के। ते इह मेरे स्कूल दी लाइब्रेरी है जिथे ज्ञान दी ढेरी लगी हुई है, बहुत ही सोहणी, मतलब हर तरह दा ज्ञान सानू मिलदा। आ सी कवि दी छोटी जी कविता लाइब्रेरी। ते अज लई इन्ना ही, आ साडा 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुक्या है। लाइब्रेरी लैसन जिहड़ा साडा सीगा उसदा अज लई इन्ना ही।